नमस्कार। अब प्रस्तुत है आपके सामने लीडरशिप प्रोग्राम जो रेगुलर चल रहा है हमारा प्रातः काल में। लीडरशिप के लिए मैंने बताया था कि प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज, नेटवर्किंग चार पार्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब मैं जो लीडरशिप का मैंने स्टार्टिंग किया था उसमें वो चीज़ों का जो मैंने उस पर चर्चा की थी, जो बेसिक चीज़ें थी जो एक हम आम लोग करते थे। अब इसमें हम एक लीडर्स मतलब कुछ हट के हैं, क्योंकि अगर हम कहीं एक भीड़ होती है, भीड़ में कोई व्यक्ति विशेष होता है। अगर कहीं हम इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू देने एक पोस्ट के लिए हो सकता है 100 आदमी गया हूँ, उसमें सिलेक्शन एक का होना है। तो उसका सिलेक्शन हो रहा है तो उसकी कोई वजह है, उसके अंदर कोई गुण है, वो उस टीम का वो लीडर है, उसमें से केवल उसका सिलेक्शन है। तो वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ पे है, उसको फाइंड आउट करना है। वो लीडर है मतलब वो सब जो हम बेहतर है और उसे बेहतर और उसे अलग है, वो गुण हमें होने चाहिए। लीडरशिप का मतलब ये है, हमें आर्थिक और सामाजिक जो विकास, चाहे वो अपना हो, अपना परिवार का हो, अपने समाज का हो, अपना क्षेत्र का हो, वो चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। मैं जिस जिम्मेदारी पर हूँ, अगर मेरे पास मेरे परिवार की जिम्मेदारी है तो उसकी सामाजिक और आर्थिक विकास में मेरा क्या रोल है, और लोग भी कोई को भी जिम्मेदारी होंगे, मेरे को भी जिम्मेदारी है, मैं उसको कितनी बेहतरी से निभा पा रहा हूँ, वो मेरी लीडरशिप है। मेरे को पास अगर समाज की कोई जिम्मेदारी है उसमें मैं कितना परिवर्तन ला पा रहा हूँ उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में, वो लीडरशिप है। मैं आज जो चर्चा करूँगा वो करूँगा कि टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है। मैंने जो लीडरशिप प्रेजेंटेशन का जो पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैंने पहले चर्चा की लिखित वाले में मैंने लेटर राइटिंग की बात की, मैंने ईमेल्स की बात की, मैंने फेसबुक की बात की, मैंने व्हाट्सएप की बात की, मैंने एसएमएस की बात की। एक क्या था कि जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ चीज़ थी उसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि लीडरशिप किसी कह सकते हैं। जैसे हमारे गांव पर जब हम पहले चिट्ठियां भेजते थे तो बुलाते थे, जो बच्चा अच्छी चिट्ठी लिखता था उसको कहते यार तू आजा, तू अच्छी चिट्ठी लिखता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि हम लीडरशिप के मायने क्या हुआ, में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने उसका फायदा, जैसे अब ब्रिटेन की मैं बात करूँगा, मैं कलम का वो हूँ, माहिर हूँ, तो कुछ लोगों ने पोस्टर अच्छे बनाने शुरू कर दी, उनको पोस्टर के महारत हासिल है। पोस्टर के बाद पंपलेट आए, पंपलेट के लिए साथ आपको एक भाषा बनानी पड़ती है, पोस्टर में भी भाषा है, पोस्टर में आपको कम लिखना होता है, पंपलेट में थोड़ा भाषा बनानी पड़ती है, परंतु आपको उसमें स्किल होना चाहिए तभी आप वो कर सकते हो। उसका अगला पार्ट आया कि आपको कोई बुक लिखनी है, कोई न्यूज़ लिखनी है, तो क्या है, टेक्नोलॉजी आई, अखबार आपके घर में डेली आ जाता है, उस अखबार को कोई लिखता है, उसकी लीडरशिप है उसमें, क्या है लिखित, वो है एक लीडरशिप उसके अंदर है, और वो आपके पास आता है, आप उनको कोई, चाहे वो किसी पोस्ट पर काम हो, कोई भी पोस्ट हो उसकी, परंतु क्या है, लिखना तो आप भी जानते हो, लिखना वो भी जानता है, आप भी बहुत कुछ लिखते हो, वो भी लिख रहा है, आप भी समय दे रहे हो, वो भी समय दे रहा है, परंतु उसके जो उसने लिखा, जो उसको एक मार्केट वैल्यू मिली और उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड है, आपका परिचय देना है तो आपको परिचय देने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड रिटर्न में परिचय दे दिया अपना लिखित में। अब जब सामने मिलेंगे उसकी बात करेंगे, फेस टू फेस की जब बात करेंगे तब अलग बात होगी, और जब कॉलिंग की बात की तब भी मैंने बताया था कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है,
और जब लिखित की बात आई, विजिटिंग कार्ड आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये चीज़ें क्या है, जब टेक्नोलॉजी आई तो उसने चीज़ें को इन्वॉल्व किया। अब बात आ रही है कि हम कॉलिंग के ऊपर इसमें फोकस मेनली था, तो रिटर्न की बात थी, प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस वाले प्रेस थे जिनमें वो अल्फाबेट्स को लगा के बनाते थे, फिर ऑफसेट प्रिंट आए उसको, और कई तरह के प्रिंटर्स आए, प्रिंटिंग के सिस्टम बढ़ा, और उसने जो जिनके पास रिटन लीडरशिप थी, जिनका रिटन प्रेजेंटेशन अच्छा था, उनको वहाँ पर मौका मिला और उनको अपने आर्थिक और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका रही, और उन्हें जो भी उनको रोल दिया गया उसमें उन्होंने लीडरशिप दिखाई। अब आते हैं कॉलिंग के ऊपर। ये तो हो गया रिटन का, रिटन को अखबार को समझ लो, अब अपने बुक्स को समझ लो। उसमें भी लिखा होता है कि ये कविता इसने लिखी, ये पाठ इसने लिखा, ये किताब इसने लिखी, लोग उपन्यास लिखते हैं, अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, पोइम लिखते हैं, कोई मैगजीन निकाल रहा है, डेली आपके घर में अखबार आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, उनका क्या है, उस पर लीडरशिप है, रिटन लीडरशिप, उससे उनका एक आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और उसी को हम लीडरशिप कहते हैं। अगली चीज आती है, क्योंकि अब वो भी लोग हैं जो मीडिया में या सोशल मीडिया में गाली देते हैं, वो भी टाइम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, परंतु क्या है कि क्या कर रहे हैं वो, और किधर अपने को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मेरा ये प्रोग्राम देने का मतलब ये कि हम अपना जितना भी समय देते हैं, अपना जो भी काम करते हैं, उसको अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ जोड़ें, हमारे समाज में उसका गलत फर्क न पड़े, उससे हमारे समाज के आर्थिक और चाहे मेरे आर्थिक और सामाजिक विकास में हो, मेरे परिवार का हो, मेरे क्षेत्र का हो, मेरे समाज का हो, उसमें वो चीज़ जुड़ी होनी चाहिए। अगर मैं कहीं समय खर्च कर रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ, समय लगा रहा हूँ। दूसरी आई कॉलिंग। कॉलिंग में क्या होता था, पहले फोन क्या थे, कॉलिंग होती कहाँ थी, कॉलिंग समझता कौन था, कहीं दूर जाके कहीं मिल गई टेलीफोन बूथ, कहीं पैसे डालो, सिक्के डालो, बात हो गई, कनेक्ट हुआ, नहीं हुआ, कई दिक्कतें होती थी, तो फिर उसका कॉमर्शलाइज करना, उस पर लीडरशिप की बात करना बहुत बात थी। और ऑफिसों में इक्के दुक्के केबिन में होते थे, बॉस के पास फोन होता था, तो फिर फोन ही नहीं थे तो फिर उस पर लीडरशिप की बात कहाँ है। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, पीसीओ आए, पीसीओ ने भी कनेक्टिविटी बढ़ाई, परंतु वो उतना चीज़ें नहीं कर पाए। और जब ये टेलीकॉम क्रांति आई, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और उसके बाद चीज़ें, कॉल रेट गिरी, फोन सस्ते हुए, डाटा सस्ते हुए, डाटा रेट गिरे, तो क्या हुआ, चीज़ों का लोगों ने यूज करना शुरू किया। अब ऐसा तो है नहीं किसी ने उन्हें कहा सिखाया, या फिर टेलीकॉम कंपनी ने आके कहा तुम ये करो ताकि उनके फ़ोन ज़्यादा बिकें। उसमें लोगों के दिमाग में आया कि इसका कैसे हम अपने आर्थिक और सामाजिक विकास में यूज कर सकते हैं, उनके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी थी उन्होंने। अब क्या आया, कॉलिंग आज की डेट में एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जैसे मैंने कहा प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, जिसके पास रिटर्न, जो जिसके पास रिटर्न लिखने की ताकत थी, उसने कहाँ दिया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एक वो दिया, स्वरूप दिया, और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। परंतु प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए क्या है कि आपके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, आप कागज़ में प्रिंट करते हो, उसकी डिलीवरी है, रॉ मटेरियल आना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, फिर उसकी प्रिंट होने के बाद डिलीवरी चाहिए, तो एक सिस्टम, काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके लिए जगह चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, प्रिंटर चाहिए, कंपोज करने वाला चाहिए, डिजाइन करने वाला चाहिए, कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसके अलावा। परंतु जब हम आते हैं कॉलिंग के ऊपर, कॉलिंग इंडस्ट्री जो है, कॉलिंग टेक्नोलॉजी जो है, जब
रिटन लीडरशिप की मैंने बात की, उसमें क्या है कि प्रिंटिंग, उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग इंडस्ट्री को वो दिया, परंतु प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो एक सिंगल आदमी के कंट्रोल में नहीं है, जो एक सिंगल व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसमें आपके पास कागज आएगा, प्रेस में जाएगा, प्रेस में लोग काम करेंगे, फिर प्रिंट होगा, प्रिंट के बाद मार्केट में जाएगा, मार्केट के बाद जिसके पास पहुंचना है उसके पास पहुंचेगा। परंतु कॉलिंग इंडस्ट्री की ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास केवल आपके अंदर वो गुण होने चाहिए, लीडरशिप के गुण होने चाहिए। और एक ऐसी इंडस्ट्री है ये जिसने इस पर कंट्रोल किया, तो जिन जगह इसके लिए कहीं आपको रॉ मेटेरियल नहीं ले जाना, आपको कहीं इंडस्ट्री स्थापित नहीं करनी, आपको उस पर होके कहीं मार्केट में उसको डीलर हीलर बनाने हैं, वो आगे जाएगा, फिर वो आगे डिलीवर करेगा, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, ये नहीं होगी, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। परंतु क्या है कि ज़रूरत आपके अंदर उन चीज़ों को यूज करने की है। तो कॉलिंग इंडस्ट्री के रूप में हमको देखना पड़ेगा, हम इसको अपने सामाजिक और आर्थिक विकास में कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर मैं, मेरे पास एक फ़ोन है, मेरी जेब में एक फ़ोन है, उस फ़ोन का इस्तेमाल मैं अपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उसका आर्थिक और सामाजिक विकास में क्या रोल अदा कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये नहीं है कि मेरे पास फ़ोन तो सारे रख रहे हैं, पर लीडरशिप का मतलब जब बात कर रहे हैं, हम जब लीडर की बात करते हैं, लीडर का मतलब होता है उस पूरे समूह से, पूरे भीड़ से एक अलग सोच रखने वाला, अलग समझ रखने वाला। अब इसकी चीज़ें ये हैं कि हम कैसे इसका वो करें। जैसे पीसी आया, पीसी के बाद मोबाइल आया, आज स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन में भी अब कई फीचर आ गए हैं। वो फीचर इसलिए नहीं आए, वो फीचर लोगों की डिमांड थी, लोगों की नीड थी, क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसे मार्केट में कोई लॉन्च नहीं कर देता, जब उसकी डिमांड होती है, उसकी मार्केट होती है, उसकी नीड होती है, लोगों से लोग अपने तरफ से व्यूज देते हैं, रिमार्क्स देते हैं कि अगर ये फीचर ऐड किया जाए तो शायद बढ़ जाएगी। आज की डेट में क्या आपका स्मार्टफोन है, आप उसकी वो फोटो खींच लेते हो, वीडियोज बनाते हो, यहाँ पर बैठे बैठे दूर तक उसको भेज देते हो। अब कई लोग तो क्या करते हैं, दिन भर गेम खेल रहे हैं, दिन भर कोई मूवी उसमें देख रहे हैं, अपना जो महत्वपूर्ण समय है जिंदगी का वो उसमें बर्बाद कर रहे हैं। परंतु कई वही लोग उसको क्या कर रहे हैं, उस फोन से मैं जैसे ये बना रहा हूँ, मेरे पास भी वही फोन है, मेरे पास वही नेट यूज है, परंतु मेरी कोशिश क्या है कि मैं जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो अपने समाज को दूँ, या जो लोग इस वीडियो को देखें, जो लोग लाइव हो रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाए कि हमें अपना टाइम और अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। मोबाइल, मैंने कहा था कि जब भी हम बात करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी की बात है, हमें कॉल करते हैं, तो चीज़ क्या है कि इसमें बड़ी चीज़, जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो, हम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, भले दूर से हो रहे हैं, वॉइस से हो रहे हैं, परंतु डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट है, कनेक्टिविटी है। अब इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर व्यवहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा व्यवहार कुशल होना चाहिए हमें, क्योंकि आपने लिख दिया, व्यवहार कुशल नहीं भी है, आप लिखते बहुत अच्छे हैं तो चल जाएगा, आपका व्यवहार अच्छा नहीं भी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो चल जाएगा, परंतु आप कॉलिंग कर रहे हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो ये फर्क कहाँ आ गया, जो रिटर्न और कॉलिंग में। तो कॉलिंग में एक अलग चीज़ जो ऐड हुई है वो क्या हुई है, बिहेवियर। व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यवहार का मतलब नहीं है कि आप सामने के कॉन्टेक्ट में हो, आप में जब फोन पर बात कर रहे हो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, और उस व्यवहार का असर आप, मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपके आगे जाके नेटवर्क में जुड़ेंगी, वो लास्ट वाला जो पार्ट होगा लीडरशिप का उस पर हम डिस्कस करेंगे, परंतु ये उस चेन का ही हिस्सा है। टेक्नोलॉजी में अब उसमें चीज़ें क्या ऐड होती हैं, भले मैं नहीं जानता उस टेक्नोलॉजी को, उसकी नीड क्या है, उसका यूज कैसे करना है मैं नहीं जानता, परंतु जो
मैं अकेला तो लीडर हूँ नहीं इस फील्ड का, मैं अकेला तो मास्टर नहीं हूँ इस फील्ड का, इस फील्ड में बहुत सारे लोग मास्टर हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर कोई फीचर नया आया है, जो कोई टेक्नोलॉजी नई आई है, तो उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, तो मुझे उन चीज़ों का जरूर अध्ययन करना चाहिए और उन चीज़ों का यूज करना चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो है। अब मैं तो ये चीज़ पर फोकस करना है कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें, जो भी रेगुलेटरी है उसका या हमें पता होना चाहिए। चीज़ें क्या होती हैं कि कई चीज़ें हमको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो जो जो चीज़ें हैं, जो कानून है, नियम हैं, अब मुझे अगर उसी चीज़ में इन्वॉल्व रह के काम करना है, उसको मैंने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास का एक हिस्सा बनाना है, पार्ट बनाना है, तो मुझे उसके अंदर जाके इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे सारी चीज़ें होनी चाहिए उससे जुड़ी हुई। जैसे अब आप कॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो जो ट्राई है उसके मुझे जो नियम है, टेलीफोनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका जो मुझे लॉज है उनका पता होना चाहिए मेरे को, और जो इनके अलग अलग वो हैं टेलीफोन कंपनियों के अपने वो है जो शर्तें हैं, उनका मुझे ज्ञान होना चाहिए कि कैसे कैसे यूज करना है, तभी मैं ये चीज़ करूँगा। कल को नहीं तो मुझे क्या होगा, जब मैं तो यूज़ करने लगा तो मेरे साथ कई प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, तो उनका भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ भी इसके लिए ज़रूरी इन्वॉल्व है। और अब क्या है कि इसमें जो मैंने कहा कि अब हमें इसको कैसे आर्थिक और सामाजिक विकास में यूज करें, अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो रिमोट इलाका है वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं भी हैं, ज़रूरत केवल है कि वहाँ पर टावर होना चाहिए, सिग्नल अच्छा होना चाहिए, अब वहाँ से बात कर लें। जहाँ पर जितनी शांति होगी, जितना वो कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, वहाँ से अब उतने अच्छे इस चीज़ का यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। अब कॉलिंग इंडस्ट्री की हम बात, कॉलिंग एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया कॉलिंग ने, ये बात हम कर रहे हैं। अब कैसे ले लिया ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कॉलिंग की बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ मैं तो केवल फोन आया, कॉल उठाया, बात कर दी, किसी को कॉल करना है कर दिया। अब इंडस्ट्री ने इसको कैसे यूज किया, आज की डेट में चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हम सोशल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशनल आदमी है, चाहे वो एनजीओ वाला है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो बिजनेस वाला है, उसमें बिना आपके उसे कॉलिंग के आप वो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ोगे गति बहुत धीमी होगी। तो इसमें बहुत तेज पिकअप लाने के लिए, स्पीड लाने के लिए इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कॉलिंग ने। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, एक कॉलिंग कॉल सेंटर बना दिया, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने कॉल सेंटर बना दिया। अब कॉल सेंटर में क्या होगा, मैंने चार बंदे रख दिए कॉल सेंटर में, उनको डाटा लिया है कितनों के पास उस जिस जो मेरा बिजनेस है, जिससे रिलेटेड मेरा बिजनेस है, उससे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कितने हैं, उससे रिलेटेड जो संभावित जिनसे मैं वो बिजनेस कर सकता हूँ, अपने को अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकता हूँ, उनके सारे डाटा उपलब्ध हो मार्केट में, मैं वो ले आया, मैंने उनको दे दिया, उनसे कहा फ़ोन करो। अब उन्होंने फ़ोन किया, जिन जिनकी नीड होगी वो लग के वहाँ जाके फिर आगे हम अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। अब यहाँ फ़ायदा कहाँ हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमने अपने घर पर बैठ के, अपने जगह पर बैठ के कॉल किया, हो सकता है एक दिन में हमने 100 लोगों को फोन किया, 100 लोगों में हो सकता है 10 लोगों ने, 5 लोगों ने पॉजिटिव रहे हों, 4 जने थे, 4 लोगों ने काम किया, 20 लोग या 40 लोग पॉजिटिव हो गए, हम उनके पास जाके हमने अपना बिजनेस बढ़ाया, अपना काम आगे बढ़ाया, और उनको चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसने इतने लोगों से बात की, अपना मैसेज इतने लोगों को भेजा,
उसमें से जितने लोग पॉजिटिव हुए उसने अपने पार्टी में इन्वॉल्व किया। बिजनेस में है, बिजनेस में उनके साथ डील की। सोशली है तो अगर वो कोई अपना सोशल सर्विस देना चाहता है वो उसने उनके साथ फाइनल की। कोई डोनेशन लेना है उसके लिए की तो वो उसके साथ फाइनल की। तब क्या होगा कि वहाँ अगर व्यक्ति को फिजिकली जाना है तो फिजिकली जाए और विजिट करेगा। सीधे क्या करना है, फाइनल डील करनी है, जाना है और अपना काम शुरू करना है। और पहले क्या होता था जब ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी कि एक व्यक्ति आपका जाता था, वो दिन में 4-5 लोगों को केवल मिलता था, उसका जाने का टाइम, आने का टाइम, कन्वेंस और ये सारी चीज़ें खर्च वो होती थी। अगर 400 लोगों को जो तुमने कॉल किया, अगर वो 400 लोगों को विजिट करता तो आपको कितनी मैन पावर की ज़रूरत होती, कितना खर्चा होता। तो कॉलिंग सिस्टम ने आपको वहाँ पर बचाया। दूसरी चीज़ क्या है कि अब एक जो कोई भी बिजनेस है उसने, जैसे अब आप आज की डेट में घर बैठे हो, फ़ोन करते हो, आपको बैंक की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको दूसरी जगह कहीं भी फ़ोन करते हो आपको ये टोल फ्री नंबर दिया होता है, आप टोल फ्री नंबर पर बात करते हो, वहाँ से कोई जवाब आता है, क्योंकि आजकल डेट में ऑटो मशीन वो लगे हैं, ऑटोमेटिक मशीनें भी लगी हैं। तो जैसे आप यहाँ से कॉल करते हो, कहता है ये नंबर दबाओ, हिंदी में बात करनी है ये नंबर दबाओ, अंग्रेजी में बात करनी है तो ये नंबर दबाओ। ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने ये सारी चीज़ें उसमें प्रोग्राम किए हैं। अब वो क्या करेगा, हिंदी वाले को अलग करेगा, अंग्रेजी वालों को अलग करेगा, सब प्रोग्राम किया हुआ है। उसके बाद अब ये क्या है, ये चीज़ें हर एक ने नहीं की होती हैं, ये उन्हीं ने की होती है जिसका बिजनेस है और जो अब वो कॉल सेंटर को डिजाइन कर रहा है। ये नीड है, टेक्नोलॉजी है। अब आपने कॉल किया, अब उसने पूछा हिंदी में बात करनी है अंग्रेजी में बात करनी है, आपने बोला मुझे हिंदी में बात करनी है, वो वाला बटन दबाया तो उसने हिंदी वाले कॉलों को अलग और अंग्रेजी वाले कॉलों को अलग अलग छांट दिया, शॉर्टिंग करनी शुरू की। फिर उसने पूछा आपको किस सब्जेक्ट में बात करनी है। मैं शुरू में कह रहा था कॉलिंग जब आप करोगे तो उसमें एक चैलेंज होता है कि सामने वाला क्या पूछता है आपको पता नहीं है, परंतु टेक्नोलॉजी ने इतना वो कर दिया, स्मार्ट रोल अदा किया है जिसमें टाइम भी बचे और सही आंसर भी जाए। तो वो क्या करता है, पहले हिंदी में बात करनी है, अंग्रेजी में बात करनी है, भाषा का सिलेक्शन किया, भाषा के बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, सब्जेक्ट के बाद इशू का सिलेक्शन किया, फिर वो इशू से रिलेटेड जो व्यक्ति होगा, पहले तो उन्होंने अपने अंदर ही जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं उनके अंदर सारी चीज़ें आंसर फीड कर रखे हैं, अगर वो पॉसिबल है तो उन्हीं से आपको आंसर मिल जाएगा। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा अटेंड हो जाती है, अगर उसमें आंसर नहीं है तो वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगा जो उनके वहाँ पर प्रतिनिधि बैठे होंगे। अगर वो जिस भाषा को, क्योंकि आपने पहले सेलेक्ट कर रखा है हिंदी तो हिंदी वालों के पास ट्रांसफर होगा, पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यक्ति के पास होगा, पहले आपने इशू सेलेक्ट कर रखा है तो उस इशू का जो एक्सपर्ट होगा उसके पास चले जाएगा। अब इससे क्या होगा कि सारा समय जो वो होगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा कि हम कितने अपने आर्थिक और उसमें इस कॉलिंग सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब जब हम इन चीज़ों को सोचेंगे किसी दूसरे के बारे में तो ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर ये बड़ी बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। वो वही फ़ोन है जो मेरी जेब में है, इसके अंदर हमने सारे प्रोग्राम डाल दिए गए हैं, सब फिट कर दिया गया है, और वो जब भी मेरे पास कॉल आएगा, मेरे पास कुछ आएगा तो मेरे ऑटोमेटिक सारे सिस्टम होंगे, वो प्रोग्राम सब उसको रिस्पॉन्स करेगा कि आपको हिंदी में बात करनी है, अंग्रेजी में बात करनी है और किस सब्जेक्ट में बात करनी है, उस सब्जेक्ट में कौन से इशू पर बात करनी है, और वो इशू अगर अंदर प्रोग्राम के अंदर होगा वो वहीं से आंसर देना शुरू कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो उसके ट्रांसफ़र कर देगा कॉल जो उससे रिलेटेड व्यक्ति होगा। इसके लिए जो कॉल वो जो वहाँ पर हमारा सेंटर होगा, कॉल सेंटर वो काम करेगा। तो ये था कि हमने टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या कि हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत, ना रॉ मटेरियल की ज़रूरत, ना प्रोडक्शन की ज़रूरत, ना मार्केट की ज़रूरत, ना ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत। तो हमने क्या कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट और एक, परंतु ये क्या होगा जब हमारी इन चीज़ों पर क्या है लीडरशिप होगी, क्योंकि
कि नहीं तो फोन तो सारे यूज कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है सारी यूज कर रहे हैं तो हम सबसे कनेक्ट हैं, तो सबसे कनेक्ट हैं। तो आज की डेट में क्या है, हम कोई भी चीज़ आर्थिक और समाज की बात करते हैं, अर्थ और समाज की जब बात होती है तो उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम हर एक लोग को चाहेंगे कि उससे जुड़े, तो हम जुड़े हुए ऑलरेडी, एक नेटवर्क हमारे पास है, उस टेक्नोलॉजी का हमें केवल यूज करना है। तो कॉलिंग के बारे में आज यही कहना चाह रहा था कि कॉलिंग ने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है, जिसे कॉल सेंटर भी कह सकते हैं, कस्टमर वो केयर सेंटर भी कह सकते हैं, कस्टमर का जो ध्यान देते हैं वो सेंटर भी कह सकते हैं, अब उसको कई भी रूप दे सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर भी कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ है, परंतु ये सारी चीज़ें हमारे परंतु तभी होगा जब हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान उसी को होगा जिसमें वो लीडरशिप होगी, जिसके अंदर क्वारीज होंगी, जो मेरे को ये आना चाहिए, मेरे को ये पता होना चाहिए, तभी होगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम, कल मैं सारी कॉलिंग सेंटर के बारे में, उनके सेटअप के बारे में, उसमें लॉज के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। इसी के साथ